हर पिता चाहता है। बेटे अर्जुन तेंदुलकर के शतक पर खुलकर बोले सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बेटे ए अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और पहली ही पारी में शतक जमा दिया। अर्जुन ने 120 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस शतकीय पारी पर सचिन तेंदुलकर ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आपने मुझसे यह सवाल पूछा, यह मेरे लिए गर्व की ही बात है। डॉट सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भारतीय घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू कर लिया है। अर्जुन ने इस मैच में शतक जड़कर अपने ही पिता सचिन के एक रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। सचिन ने एक इवेंट में अपने डेब्यू शतक और पिता रमेश तेंदुलकर से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा हो आपने मुझसे यह सवाल पूछा, यह मेरे लिए गर्व की ही बात है क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसे अपने बच्चों के काम से पहचाना जाए। इवेंट में अर्जुन के सवाल पर सचिन ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है जब मेरे क्रिकेट के शुरुआती दिन थे, तब मेरे पिता को किसी शख्स ने सचिन के पिता कहकर बुलाया था। तब मेरे पिता के दोस्त ने उनसे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है। तब उन्होंने कहा था कि यह मेरे जीवन का सबसे गौरवान्वित करने वाला पल है। हर एक पिता चाहता है कि वह अपने बच्चे के काम से पहचाना जाए। सचिन ने माना कि एक क्रिकेटर का बेटा होने के कारण एक अतिरिक्त दबाव होता है। उन्होंने संन्यास के बाद मीडिया से यह अपील की थी कि वह अर्जुन पर एक्स्ट्रा दबाव ना बनाए। मेरे माता पिता ने भी ऐसा कोई दबाव मुझ पर नहीं बनाया था। सचिन ने तब मीडिया से कहा था कि अर्जुन को प्रदर्शन करने दो, उसके बाद ही कुछ कहना सही रहेगा।